दोस्तों पूर्वोक्त संधि, पूर्वोक्त संधि में क्या होता है, यदि पद के अंत में ए अथवा ओ है तो इसके बाद रस आ हो तो आता पूर्वरूप हो जाता है। यानी कि पद के अंत में ए हो अथवा ओ हो तो इसके साथ में क्या हो जाता है, रस आ का क्या हो जाएगा, पूर्वरूप हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, रस आ का पूर्वरूप हो जाएगा। जैसे देखिए ए
धन होने वाला जो धातु रूप है
वृद्धि प्रति संधि का क्या है? अपवाद है। यह सूत्र प्रति संधि का क्या है? अपवाद है। ठीक है ना दोस्तों? यानी कि ठीक है ना।